डूंगरपुर से बड़ी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें कि 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ किया दुष्कर्म, बिछवाड़ा थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। स्कूल के 12वीं कक्षा के दो छात्र ले गए थे बाइक पर बिठाकर जंगल में ले जाकर एक छात्र ने किया दुष्कर्म, लहू लुहान हालत में घर के बाहर छोड़ गए आरोपी। पीड़िता के पिता ने डूंगरपुर जिला अस्पताल में करवाया भर्ती। पिता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में दर्ज किया मामला, दोनों आरोपियों को किया है अधिग्रहित। बड़ी खबर और दुष्कर्म की घटना से जुड़ी एक खबर, 9वीं कक्षा की छात्रा के साथ दुष्कर्म किया गया है, बिछवाड़ा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। स्कूल के ही 12वीं कक्षा के दो छात्र छात्रा को बाइक पर बिठा करके ले गए थे, जंगल में ले जाकर उन्होंने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, लहूलुहान हालत में घर के बाहर छोड़ गए आरोपी। पीड़िता के पिता ने डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है छात्रा को, तो वहीं पिता की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है, दोनों आरोपियों को अधिग्रहित किया गया है। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, अपराधियों में क्या कोई खौफ नहीं रहा है, ऐसे आरोपियों में कोई खौफ नहीं रहा है कि एक के बाद ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है? बिल्कुल आयुष, बताना चाहूंगा कि असल में ये घटना जिस स्कूल की है उसी स्कूल में 12वीं कक्षा के दो छात्र थे जो उसे रेसेस के टाइम पर बाइक पर बिठाकर बेला फुसला कर ले गए। बताया जा रहा है कि बेला फुसला कर ले गए और जो प्राथमिक और पास ही एक जंगल है उस जंगल में जाकर ले जाए उस छात्रा के साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। दुष्कर्म की घटना के बाद ये जो आरोपी है वो उसे उस बाइक पर बिठाकर फिर से उस पीड़िता के घर के बाहर ही छोड़कर चले गए जब वो लहूलुहान हालत में थी। पिता ने जब पूछा तो पीड़िता ने सारी घटना बताई और उसके बाद पीड़िता को अभी डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया है जहां तक जानकारी में आया है, लेकिन अभी उनकी उम्र को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बालिग है या नाबालिग, इसे लेकर अभी पुलिस ने खुलासा नहीं किया है गिरफ्तारी को लेकर। जी बिल्कुल पुनीत, ये तो तय है कि जो बालिका है वो तो नाबालिग है। जी बिल्कुल, वो 9वीं कक्षा की 15 वर्षीय छात्रा है और जो आरोपी हैं वो भी 12वीं कक्षा के छात्र हैं, ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वे भी नाबालिग हो सकते हैं। जी।